नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्विंग ट्रेड। इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉरेंस लियाओ कंपनी के बारे में। इस कंपनी का डिटेल एनालिसिस करेंगे और स्टॉक में एक भारी करेक्शन हो चुका है। तो अभी जो बात हो रहा है, अभी बहुत सारे फ्रेंड्स का इसमें क्वारी आ रहा था कि ये स्टॉक का एनालाइज करो, तो इसमें बहुत सारा हम लॉस में है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉरेंस लियाओ के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बार जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर पहली बार आपने इस चैनल पर विजिट किए हैं, चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। फ्रेंड्स, अगर कंपनी के बारे में बात करेंगे, कंपनी 24,000 करोड़ का मार्केट कैप है। उसी के साथ में कंपनी के बारे में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 23% का यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 24% का यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी है। उसी के साथ में अगर हम बात करेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में, 0.51 है, मतलब 51% का डेट टू इक्विटी रेशियो है। तो यहाँ पे अगर प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात करेंगे 27% का, और स्टॉक का ऑल टाइम हाई 724 है। यहाँ पे क्या अच्छा सा करेक्शन हो चुका है, 4455 के पास में स्टॉक यहाँ पे ट्रेडिंग हो रहा है। उसी के साथ में अगर हम बात करेंगे कंपनी का, यहाँ पे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। अगर हम बात करेंगे लॉरेंस लियाओ इज ए प्रिंसिपली एंगेज्ड इन ऑफरिंग ब्रॉड एंड इंटीग्रेटेड पोर्टफोलियो ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंटीग्रेट्स एपीआई इंक्लूडिंग इंटरमीडिएट्स एंड जेनरिक फर्निस्ड डोजेज फॉर्म एंड ए कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च सर्विस टू कैटर टू नीड द ग्लोबल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ये जो कंपनी है ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ में काम है, और उसी के साथ में अगर हम बात करेंगे कंपनी जबरदस्त एक मल्टीबैगर रिटर्न कमा के दिया है। अगर हम कोविड के बारे में बात करेंगे तो उस टाइम पे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे सेल्स के बारे में, यहाँ पे सेल्स देखिए कंपनी का जो सेल्स देखने को मिल रहा है 706 करोड़ से, तो यहाँ पे 1500 करोड़ तक का सेल्स हो चुका है। सेल्स एक जबरदस्त तरीके से कंपनी का सेल्स ग्रोइंग भी हुआ है। उसी के साथ में अगर हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट के बारे में, 60 करोड़ से यहाँ पे 227 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट हो चुका है। उसी के साथ में लास्ट चार क्वार्टर में तो यहाँ पे 789 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। उसी के साथ में अगर हम बात करेंगे सेल्स के बारे में, यहाँ पे लास्ट चार क्वार्टर में 5304 करोड़ का कंपनी का सेल्स देखने को मिला है, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट सेल्स है। उसी के साथ में नेट प्रॉफिट भी अब तक का सबसे हाईएस्ट देखने को मिला है। उसके साथ में अगर हम बैलेंस शीट आके देखते हैं कंपनी का बैलेंस शीट में, यहाँ पे जो रिजर्व देखने को मिल रहा है 3679 करोड़ का कंपनी के पास में रिजर्व देखने को मिल रहा है। हर एक ईयर में कंपनी का यहाँ पे रिजर्व ग्रोइंग होते जा रहा है बहुत बढ़िया से। उसी के साथ में कंपनी का यहाँ पे बोरोइंग भी ग्रोइंग हो रहा है, इस चीज़ का भी हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। कंपनी का बोरोइंग भी यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, तो इसी के साथ में है। लेकिन एक चीज़ हम देख सकते हैं, कंपनी ने यहाँ पे बोरोइंग जो यहाँ पे बढ़ रहा है उसका पीछे का रीज़न है कि कंपनी अपना प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे जरूर इंक्रीज हो रहा है, जो कि यहाँ पे आके आप देख सकते हैं। देखिए बिल्डिंग में यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग और लैंड में यहाँ पे ये हो रहा है, कंपनी अपना कैपेसिटी भी यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। उसी के साथ में प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात करेंगे, 27% का प्रमोटर के पास में होल्डिंग है, एफआई के पास में 27% का होल्डिंग है, रिटेल पब्लिक के पास में यहाँ पे 3.25 है, और यहाँ पे 1.86 को अगर निकाल देते हैं अराउंड 35% का होल्डिंग रिटेल पब्लिक के पास में, जो कि बिलो 1% का होल्डिंग रखते हैं। उसी के साथ में स्टॉक में एक भारी करेक्शन देखने को मिला है कुछ दिन में। ये स्टॉक में देखिए कुछ ही दिन में यहाँ पे एक बहुत बड़ा करेक्शन हुआ है, जो कि यहाँ पे कितना परसेंटेज का, अराउंड 26% का करेक्शन हो चुका है। और उसी के साथ में इसका कुछ न्यूज भी हमें देखने को मिला था। अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या न्यूज था, लॉरेंस लियाओ गेट वन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम यूएस एफडीए फॉर प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे स्टॉक का जो मेन इंपोर्टेंट सपोर्ट है, स्टॉक मेन इंपोर्टेंट सपोर्ट के पास में ट्रेडिंग हो रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे एक सही लेवल है। अभी अगर आप यहाँ पे बाइंग का पोजीशन बनाते हैं या तो आपका पोर्टफोलियो में कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा रिस्क नहीं है। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अगर गिर गया स्टॉक, अगर यहाँ से नीचे आ गया तो क्या करेंगे, उसके लिए भी मैं बता रहा हूँ ना फ्रेंड्स। अगर आप इस चीज़ के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा पैनिक है तो बिल्कुल रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है आपके फेवर में, यहाँ से लेके आप यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा सा मेंटेन कर सकते हैं 3% का नीचे, या तो फिर 5% का नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप देखेंगे और ये जो स्टॉप लॉस आप रखेंगे तो यहाँ पे आपको क्लोजिंग के बेसिस पे रखना है। अगर आप देखेंगे तो क्लोजिंग के बेसिस पे अगर आपको यहाँ पे रिकवरी आ गया तो वहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करने की निकलने की जरूरत नहीं है। अगर आप क्लोजिंग के बेसिस पे, कैंडल क्लोजिंग के बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो गिरावट यहाँ पे नीचे आ गया 3% या 5% का नीचे, जो कि 425 के नीचे अगर आ जाता है तो वहाँ पे आप काट सकते हैं माल को। लेकिन अगर आप इसमें अच्छे से पोजीशन बनाते हैं एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। उसके पीछे का रीजन मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए
यहाँ पे इसका RSI का लेवल देखिए 33 के पास में इसका RSI का लेवल आ चुका है, ठीक है, ये एक पॉजिटिव साइन है। उसी के साथ में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे एक रेंज पे भी ये स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है, इस चीज़ को हमें बिल्कुल एक बार यहाँ पे अपना रडार में रखना है। यहाँ पे देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक स्टॉक एक रेंज पे ट्रेडिंग हो रहा है, यहाँ पे कुछ दिन तक एक सेम लेवल पे यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, ठीक है। अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे सेम लेवल पे कुछ दिन तक रेजिस्टेंस फेस किया, सेम टू सेम यहाँ पे भी एक बार रेजिस्टेंस फेस किया, तो इस बार मुझे भी लगता है इस सेम ऐसे ही पैटर्न बिल्ट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप पोजीशन बना के चलते हैं अपना पोर्टफोलियो में लेके स्विंग ट्रेड में, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक यहाँ पे जो गेन परसेंटेज आपका बनता है 36% का आपका गेन बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो टारगेट आपका रहेगा 607 टारगेट पे आप निकल सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे परफेक्ट 600 का टारगेट पे आप निकल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जो टारगेट रखेंगे 600 का टारगेट रखिए, और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखेंगे स्टॉप लॉस का आपका लेवल रहेगा 425 पे आप स्टॉप लॉस रखिए। अगर आपका यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे अगर लॉस होता है तो निकल जाइए, 5% का लॉस है, लेकिन आपको अगर प्रॉफिट मिलेगा 35% का प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। ये आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत बढ़िया है, तो यहाँ पे इसके बारे में सोच सकते हैं। जो सोचते हैं कि इंट्राडे करना है, FNO करना है, उनके लिए एक सही यहाँ पे मौका मिला है, ठीक है। और उसके बारे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ दिन पहले, और एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, सही कंपनी में आप पोजीशन बनाइए जो कि कंपनी फंडामेंटली साउंड हो, तो ही आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, जब स्टॉक यहाँ पे कोविड के टाइम पे कितना ज़बरदस्त तरीके से भाग रहा था, उस टाइम पे सारे जगह में यहाँ पे चल रहा था कि यहाँ से डबल ये हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन देखिए कितना बड़ा, इतना बड़ा रिटर्न देने के बावजूद यहाँ पे मार्केट में करेक्शन आया। क्यों आया? यहाँ पे जो 9 times ग्रोथ दिखाया है, क्या ये प्रॉफिट में उसी हिसाब से ग्रोथ दिखा रहा है? उतना तो प्रॉफिट में भी तो ग्रोथ नहीं है, तो क्यों इतना यहाँ पे ये हो रहा है? इस चीज़ का हमें बिल्कुल एक बार खुद को भी प्रैक्टिकली देखना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमें इस चीज़ को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना चार्ट प्राइस सपोर्टेड बाय यहाँ पे फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल के बेसिस पे चार्ट प्राइस यहाँ पे सपोर्ट होता है। मोर ओवर यहाँ पे अगर हम बात करेंगे एक स्मॉल कैप स्टॉक है, अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये पहले 10,000 crore का मार्केट कैप भी नहीं था, उससे कम का था, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो रैली आया है तो रैली में यहाँ पे कवर अप हुआ है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपका खुद का रिसर्च करना है। उसी बेसिस पे आपको उसमें 3% का इन्वेस्टमेंट से कभी भी ज़्यादा मत कीजिएगा, और यहाँ पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन जरूर कीजिएगा। अगर यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन होता है और भी ज़्यादा हो सकता है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यूएशन का बहुत बढ़िया है, तो आप बिल्कुल अपना पोर्टफोलियो में कंसिडर करके चल सकते हैं, ठीक है। तो उसके साथ में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे प्रो वर्जन में आके देखते हैं तो यहाँ पे एनालिस्ट का क्या व्यू है। अगर उससे साथ में अगर आप यहाँ पे ये सारी चीज़ सीखना चाहते हैं ना मेरे साथ में पर्सनल जुड़ के, और आपका पोर्टफोलियो को बहुत बढ़िया से ग्रोइंग करना चाहते हैं 30% CAGR के हिसाब से, यहाँ पे मेरा व्हाट्सअप का नंबर दिया हुआ, इस नंबर पे मेरे साथ में जरूर कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं, और कैसे हम स्विंग ट्रेड करके एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं वहाँ पर आपको जरूर उसका जानकारी मिलेगा, ठीक है। उसी के साथ में अगर आप फ्रीली सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे ये सारे वीडियो बनाए हुआ है फ्रेंड्स, आप जरूर यहाँ पे ये वीडियो को देखिए, सीखिए, और सही लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाइए। और सही लेवल जब तक नहीं आता है तब तक आपको उसमें पोजीशन नहीं बनाना है। मैं हर एक वीडियो में बता रहा हूँ कि मौका का इंतजार करोगे, इसी लेवल पर आपको बाइंग करना है, इसी टारगेट तक लेके चलना है। मैंने कल भी यहाँ पे वीडियो बना के बताया था कि फाइन ऑर्गेनिक में टाइम नहीं है, अभी इतना जल्दबाजी मत करो, तो सेम टू सेम आज के दिन में भी करेक्शन देखने को मिला है, ठीक है ना। हमें मौका का इंतजार करना है, और मौका मिलते पोजीशन बना लेना है, और वहां से अगर फिर भी करेक्शन होता है तो हम होल्ड करेंगे, क्योंकि हम ग्रेट कंपनीज को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसके साथ में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे एनालिस्ट का व्यू है, देखिए ये लॉन्ग टर्म में कितना अच्छा वेल्थ बना के दिया है। अगर इस चीज़ का लॉन्ग यहाँ पे चार्ट पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पे 373% का रिटर्न बना के दिया है। अगर आप देखते हैं 2016 से लेकर अगर आप देखेंगे अब तक का इतना बड़ा रिटर्न तो देखने को नहीं मिला था, लेकिन ये कोविड के बाद में यहाँ पे एक भारी तेजी देखने को मिला कि 78 rupees से लेके यहाँ पे 800 rupees, यहाँ पे 700 rupees तक का सफर तय किया था, ठीक है। तो इसी के साथ में अगर हम यहाँ पे बात करेंगे एनालिस्ट का, तो यहाँ पे 11 एनालिस्ट का व्यू क्या है, तो यहाँ पे एनालिस्ट का व्यू है कि 54% का आपको गेन देखने को मिल सकता है, 700 का टारगेट है, और मीडियम टर्म में यहाँ पे 543 है। अगर रिस्क रिवॉर्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 421 तक का स्टॉक आ सकता है, जो कि यहाँ पे एनालिस्ट का बोलना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसी हिसाब से खुद का भी जरूर आप एनालिसिस कीजिए, अगर आपको सही लगता है तो ही आप पोजिशन बनाइए। मेरा कहने पर आपको सीखना है, और अगर पोजिशन बना रहे हैं आपका आपका फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लीजिए, ठीक है। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बिल्ड करता है एक बढ़िया सा वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। उसके साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये स्टॉक के बारे में पता चल सकता है, उस हिसाब से वो अपना पोजिशन बना के या तो फिर होल्डिंग किए होगी तो इसको होल्ड करके अपना टारगेट तक लेके चल सकते हैं।
वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नया गुड़ के साथ में। जय हिंद, जय भारत।